हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 टॉपिक है हमारा नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन। पार्ट टू से हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। पार्ट वन इसका अपलोड हो चुका है यूट्यूब पे। सब्सक्राइब करें, डिवाइन टैरो 888 के नाम से चैनल है मेरा, ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें। ये जर्नल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जितना आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करे उतना रखिएगा, ज़बरदस्ती सिचुएशन में फिट इन करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मौजूद है, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैसेजेस अलाउ हैं, कॉल्स अलाउ नहीं है, और पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। ठीक है, ओके जी। पार्ट टू से हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे साइंस की बात कर लेते हैं। नंबर हमने पहली रीडिंग फर्स्ट पार्ट में बता दिए हैं, पार्ट टू से हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जो मेरे पास साइन है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, एरीज लियो सेगिटेरियस, लिब्रा जेमिनाई एक्वेरियस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, ऑलमोस्ट तमाम ही जोडियक साइन यहाँ पर मौजूद हैं। फायर साइन भी है, अर्थ साइन भी है, एयर साइन भी है एंड वाटर साइन भी है। ठीक है, बात हम कर रहे थे कि आपका ये कोई अर्ली एजेस का रिलेशनशिप नहीं है, एक पास्ट लाइफ का रिलेशनशिप है आपका, यानी कि आपने एक लॉन्ग टर्म दिया है इस रिलेशनशिप को। काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं आप दोनों के बीच में और ये पर्सन अब याद कर रहा है, इसको डीपली रिग्रेट है कि आपने जिस तरीके से इस पर्सन को पैम्पर किया, जिस तरीके से आपने इसको टैकल किया, ठीक है, और ये चाहता तो इस रिश्ते को बहुत संभाल के रख सकता था, बहुत बचा के रख सकता था। तो रिग्रेट में यही चीज़ें नज़र आ रही हैं विद द फाइव ऑफ वॉन्स कार्ड, के अपनी ज़िंदगी की खुशियां किस तरीके से इसने लड़ाई झगड़ा करके और लोगों की बातों में आके आगे से आगे बढ़ना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू सबसे ऊपर रखना कि मैं जीत जाऊँ। ये आपके साथ इस रिलेशनशिप में जीत और हार के चक्कर में पड़ गया कि जीत इसकी होनी चाहिए, इसका पॉइंट ऑफ व्यू सबसे ऊपर होना चाहिए। इन चीज़ों का रिग्रेट इस इंसान को इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के अंदर नज़र आ रहा है कि एंगर इश्यूज, इसको लिटरली किसी ने आपके ख़िलाफ़ कुछ बोला। जहाँ पे मैं पास्ट में अगर मैं देखूँ कि इसकी आंखों पे लिटरली लोगों ने पट्टी बांध दी, इसको अपने तरीके से चलाने की कोशिश की इसने, यानी कि हो सकता है कि आपको इससे बॉन्ड में आने के बाद अचानक से ऐसा लगा कि ये इंसान इतना कैसे बदल सकता है। हो सकता है ये आपको मेंटली टॉर्चर करता हो, मेंटली अब्यूज़ करता हो और फिज़िकली अब्यूज़ करता हो, और इतने एक्सट्रीम पे जाके, यस इतने एक्सट्रीम पे जाके आई एम श्योर कि इसने आपको टारगेट किया है कि आप सोचने पे मजबूर हो गए कि इतना घटिया इंसान इस दुनिया में कैसे हो सकता है, कैसे एक इंसान इतना बदल सकता है। क्योंकि एंगर इश्यूज़ में टू ऑफ सोर्स और फाइव ऑफ वॉन्स का कार्ड क्लियरली बता रहा है कि इतनी पीक पे जाके लड़ाई झगड़े और फड्डे करना कि इसका आपसे रिलेशनशिप में आने के बाद काम ही ये बचा था कि लोग जिस तरीके से इसको करने के लिए कह रहे थे। गाइड के कार्ड को एट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है कि जो डायरेक्शन इसको समझाई जा रही थी, जो चीज़ इसको बताई जा रही थी, ये सेम पैटर्न पे अमल करता हुआ आपके साथ इसी तरीके से इसी सिचुएशन से चलता चला जा रहा था। अबंडेंस सिक्स ऑफ वॉन्स, ये चीज़ भूल गया था कि इसकी लाइफ की हैप्पीनेस, इसकी लाइफ की अबंडेंस आप और आपका रिश्ता है। ठीक है, विद द पेज ऑफ कप्स और विद द सिक्स ऑफ कप्स, यानी कि अब ये उन तमाम मेमोरीज़ को यहाँ पे देखें रिकॉल करता हुआ नज़र आ रहा है। सिक्स ऑफ कप्स और पेज ऑफ कप्स, यानी कि अपने माइंड को ये कितना भी डाइवर्ट करने की कोशिश करे, इसका माइंड आके अटकता है अपने ही रिलेशनशिप के ऊपर, और वो तमाम चीज़ें रिकॉल करते हुए कि मेरी किस तरीके से स्टेबिलिटी हिलाई गई, फाउंडेशन हिलाई गई, किस तरीके से मुझे गाइड किया गया, किस तरीके से मेरे रिलेशनशिप को ब्रेक किया गया। फेयर्स, यानी कि हो सकता है इस पर्सन के माइंड में यह हो कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल चॉइसेस हैं इसके अलावा भी, ठीक है, इस चीज़ का इसको फेयर हो गया। आई थिंक के मैं कतई ये नहीं कह रही कि आपने ऐसा किया है, लेकिन मैं उसको फेयर बता रही हूँ। हो सकता है ये चीज़ इस इंसान ने आपके सामने रिवील की हो, मेल है या फीमेल है, कि मेरे अलावा और भी तुम्हारी लाइफ में रिलेशनशिप्स हैं, और भी कनेक्शंस हैं एक्स वाई जी। ये इसका अपना एक मेंटल फेयर था, एक ट्रामा था जिससे वो गुजर के आ नहीं पा रहा था, और ये चीज़ें इसने आपकी लाइफ के ऊपर, आपके ऊपर इम्पोज करने की कोशिश की कि बस जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है।
तो ये अपने ही मेंटल फेयर के अंदर था सीक्रेट्स, यानी कि एक ऑब्सेशन हो जाता है बंदे को कि जैसे मैं मुझे सब छुपा हुआ पता है। एक इंसान होता है कि जैसे उसको ऐसी कंडीशन हो जाती है खुदा ना खास्ता कि मुझे इल्हाम होना शुरू हो गए, मुझे छुपी हुई चीज़ें पता चलनी शुरू हो गई हैं। बट इसने आपने इसका डेविल बिहेवियर देखा कि यहाँ पर जो नाइट ऑफ कप्स है ना, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के किसी क्लोज वन ने आपके रिलेशनशिप को ब्रेक करने की कोशिश की, यानी कि आपके बारे में इनके जैसे कहते हैं ना कान भरना, कि इनके गलत इन्फॉर्मेशंस दी गई, कि ये सडनली आपके साथ इनका बिहेवियर जो था वो डेविल की तरह हो गया, या आपके साथ बिल्कुल डेविल की तरह बिहेव करने लग गया। ऑल दो इस इंसान की पर्सनैलिटी ऐसी नहीं थी, आई थिंक इनकी आंखों पे पर्दा पड़ गया था, अब जाकर वो क्लियर हो गई है। अब इनको एहसास हो रहा है कि आप किसी एंजल की तरह थे। आई थिंक कि ये पर्सन अब आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है। इस इंसान को इतना तो यकीन है कि अगर पास्ट को लेट गो करके वो आपको न्यू बिगनिंग की ऑफ़र करे, आपको मनाए और आपको स्टेप बाय स्टेप अपनी लाइफ में आगे लेके चले, जल्दबाजी ना करे, तो मामलात क्लियर हो सकते हैं। अदरवाइज़ अगर ये बहुत रशिंग एनर्जीज में जाता है तो वहाँ पे सिचुएशन बिगड़ भी सकती है, मामलात बिगड़ भी सकते हैं। बट फॉर श्योर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है नाइट ऑफ कप्स, सॉरी अपोलॉजी चाहते हैं, डेथ एंड रीबर्थ। इनको अपनी ही काफ़ी सारी चीज़ों की रियलाइजेशन हुई है कि इन्होंने इस रिलेशनशिप को किस तरीके से ये लेकर चले हैं और किस तरीके से इन्होंने ख़ुद अपनी साइड से रिलेशनशिप को एंड किया है। ठीक है, तो यहाँ पे इनके माइंड में है नाइट विद द नाइट ऑफ कप्स कार्ड के ये आपसे सॉरी अपोलॉजी चाहते हैं, और सम टाइम ये इनका बिहेवियर आपके साथ इस तरीके का ख़तरनाक किस्म का हुआ है कि आप ख़ुद कंफ्यूज माइंड में हो जाते हैं कि मैं यकीन करूँ तो आया इसकी कौन सी बात पे यकीन करूँ, यानी कि लम्हे में ये कुछ होते हैं और अगले ही लम्हे आपको इनके माइंड से कुछ और लगता है, इनके अटैम्प्ट से कुछ और लगता है। ठीक है, और यहाँ तक तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ये चीज़ें निकल कर आ रही हैं। अब मैं इसी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में देखूँगी कि इनका नेक्स्ट एक्शन आपके टूवर्ड्स क्या होगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। मेरे व्यूवर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स क्या होगा, नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स के पर्सन का, नाइन ऑफ सोर्ट्स, सेवन ऑफ सोर्ट्स, टू ऑफ सोर्ट्स, ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। देखें यहाँ मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है, जिन अपनों के लिए इन्होंने आपको छोड़ा था ना, उन अपनों ने इनको छोड़ दिया है। ठीक है, बिल्कुल अकेले फील, अकेले नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल लोनलीनेस फील करते हुए नज़र आ रहे हैं, और अब इनको जाके ये चीज़ एजुकेट पॉइंट ऑफ व्यू से कि अब इनको ये चीज़ समझ में आ रही है कि मैंने जो बोया मैं वही काट रहा हूँ। अगर आप किसी के रिश्ते छुड़वाते हो तो डिवाइन आपके लिए ऐसे सर्कमस्टांसेस बना देती है कि लिटरली आपको अपने रिश्ते छोड़ने पड़ जाते हैं, या आपके रिश्ते खुद ब खुद एक एक करके आपसे छूटना शुरू हो जाते हैं। बट यहाँ पे अगर मैं देखती हूँ नेक्स्ट एक्शन की बात मैं करती हूँ, तो फॉर श्योर पेज ऑफ कप सॉरी अपोलॉजी आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहा है। कोशिश करेंगे अगर आप किसी पॉइंट को पकड़ के बैठे हुए हैं कि अगर इस पॉइंट पे एग्री करते हो तो स्टार्ट करते हैं एक न्यू रिलेशनशिप, एक न्यू बिगनिंग। अदरवाइज़ अगर ये आपके लेवल की कमिटमेंट आपको नहीं देते तो फिर आप इस चीज़ से कट करते हुए नज़र आ रहे हैं, टेंशन एंजाइटी डिप्रेशन से, जब तक ये बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक आपकी तरफ ये ऑफ़र लेके नहीं आएंगे सॉरी अपोलॉजी की। और विद द एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड के हो सकता है ये पर्सन अभी फाइनेंशियल कंस्ट्रेन से गुजर रहा है, किसी किस्म की इसको हेल्प चाहिए हो सकती है, हो सकता है इसके लिए भी आपसे कोऑर्डिनेशन करने की कोशिश करें। तो देखते हैं ये ऑफ़र कब तक आ सकती है आपके पास। फाइव विद द फाइव डेज, फाइव वीक्स, ओके। ये थी आपकी रीडिंग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की,
और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।